हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने का ट्रिक। ठीक है, मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए मैं 3 डिजिट का बताता हूँ कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। चलिए कोई भी आप नंबर लीजिए, चलिए मैं लेता हूँ 112। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ शुरू से जो है दो नंबर को डिवाइड कीजिए, सेपरेट कीजिए, और ये इसको सेपरेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 कॉलम बनाएंगे जैसे मैंने 2 डिजिट में बताया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ 11 आ गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब कितना नंबर है, तो 11 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 2 44। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ से रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी नंबर को। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ पे जो दूसरा डिजिट है इसको रिप्लेस करके यहाँ कर देते हैं। जैसे मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए बताया था, सेम टू सेम उसी तरह है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 4 हो गया, और ये 4 रिप्लेस होके इसके पास चले गया, तो ये कितना हो गया, 125 हो गया, 125। तो देखिए कितना चंद सेकेंड में मैंने इसको बताया। चलिए दूसरा पे चलते हैं। दूसरा है कोई भी नंबर लेते हैं 215। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो फिर उसी तरह करेंगे, यहाँ ये 2 नंबर को सेपरेट करेंगे और 5 को, और यहाँ भी 3 कॉलम ले लेंगे। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 4 1 होता है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। अब यहाँ देखिए, 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 105, और 105 इंटू 2 210 210। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 डिजिट आए या 3 डिजिट आए, तो उसमें 1 डिजिट रख के बाकी सबको आगे रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 है, और ये 2 जो है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ये 21 को, ठीक है, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बच गया 5, और 2 को रिप्लेस किए थे 0 के पास, तो 2 और 0 हो गया, 2 ऐड हो गए। ठीक है, और 21 चले गया 441 के पास, और 21 और 441 ऐड होकर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 264, और ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, देखिए कितना चंद सेकंड में हम बना रहे हैं। और तीसरा का नंबर बता दें क्वेश्चन, चलिए आप कोई भी लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं 406, इसका स्क्वायर निकालना है। तो फिर उसी तरह 3 कॉलम लेंगे, ये आगे से 2 को सेपरेट कर लेंगे, 2 नंबर, और ये 6। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर कितना, तो 1600। 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और 46 इंटू 6 तो कितना होगा, 240, और 240 इंटू 2 480, तो 480। फिर उसी तरह क्या करेंगे, 1 नंबर रख के आगे वाला रिप्लेस करके यहाँ दे देंगे, फिर 1 नंबर ये 0 रख के 48 जो है ये यहाँ दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ 3 और 0 कितना हो जाएगा 3, और 48 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 4 1 6 ना। तो ये देखिए कितने कम समय में ये मैंने 3 नंबर का 3 डिजिट का स्क्वायर निकाला है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।